हेलो स्टूडेंट्स। सो यार फाइनली टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सीयूईटी पीजी स्पेशली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो यार पीजी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया था स्पेशली फॉर एडमिशन प्रोग्राम्स के लिए। तो इसके बारे में आज अपन कुछ अपडेट जानने वाले हैं कि आपका सेकेंड लिस्ट का क्या प्रोसेस है और फर्स्ट लिस्ट के अंदर कितनी सीटें वेकेंट रही है और कितनी सीटें भर चुकी है गाइस। ठीक है, तो यार ये कुछ आपकी जो मेरिट लिस्ट है जो कि रिलीज की गई है बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। और हालांकि ये देख सकते हो पीजी के लिए आपकी जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई थी, ठीक है, 11 तारीख को आई थिंक। एंड उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। लेकिन जस्ट एक मेनी क्वेश्चन, मेनी स्टूडेंट आस्क ए क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कि भैया कितनी सीटें फर्स्ट राउंड में भर जाएगी और कितनी सीटें सेकेंड राउंड में बढ़ जाएगी और क्या सारा प्रोसेस रहने वाला है स्पेशली। ओके, सो पहले अपन कुछ जस्ट लाइक मेरिट लिस्ट के बारे में देखने वाले, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बायो केमिस्ट्री। यहाँ पे जो स्टूडेंट की जो संख्या है वो काफी ज्यादा रहती है। अगर मैं यार यहाँ पे मैं अगर बात करूँ जो टोटली जो अप्लाई करने वाले बच्चे हैं वो देख सकते हो, मैं आई थिंक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है 672 बच्चों ने अप्लाई किया था। एंड अगर अपन यहाँ पे अगर सीटों की बात करें तो यार काफी कम सीटें हैं, ठीक है, सीटें बिल्कुल भी नहीं है। तो जो सिलेक्शन रेशियो है वो आप देख लो कि 600 बच्चों ने अगर अप्लाई किया है और यहाँ पे अगर टोटली 60 सीटें हैं तो कितना परसेंट सिलेक्शन रेशियो हो गया। सारे के सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को, राइट। उसके बाद एक जो काफी बच्चों का जो ये रहता है एमएससी केमिस्ट्री का और एमएससी फिजिक्स का, इनमें भी अपन टोटली जो देख लेते हैं कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया था। यहाँ पे 857 बच्चों ने अप्लाई किया गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो एमएससी फिजिक्स, ओह माय गॉड, 993 लोग, ठीक है, 993 बच्चों ने यहाँ पे एमएससी फिजिक्स के लिए अप्लाई किया, राइट। अब यार अगर मैं बात करूँ देख सकते हो ये जो बच्चे हैं जिनके काफी बहुत ही ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, देख सकते हो ये जो बच्चा है अमित कुमार, ठीक है, इसके जो मार्क्स आए हैं वो 253 मार्क्स आए हैं, राइट। वो वैसे ज्यादा तो मार्क्स नहीं है 253। एंड इसके अंदर जो फर्स्ट रैंक पे है उसकी मैं अगर बात करूँ तो इसमें जो है नीलम पांडे है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर इसके 229 मार्क्स आए 400 में से वैसे ये, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं बात करूँ तो यार दीपांशु, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और इनके 320 मार्क्स आए, राइट। अब यार इस बच्चे के जैसे 320 मार्क्स आए तो बेसिकली ओबियसली ये बच्चा यहाँ पर तो रहेगा नहीं, ठीक है, दिस इज डोंट वॉन्ट एडमिशन इन दिस कॉलेज। और ये जो बच्चे हैं वो जैसे आपका बीएचयू हो गया, ठीक है, जेएनयू हो गया, इनमें ये बच्चे टारगेट करेंगे। हालांकि जो है 350 के ऊपर काफी कम बच्चे हैं, ठीक है, 300 के ऊपर भी काफी कम बच्चे हैं। जैसे कि सेकंड जो बच्चा है मोहित कुमार, इसके 285 मार्क्स है, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जो ऊपर के जो ऑलमोस्ट बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं, ओके। देन उसके बाद अगर मैं यार बात करूँ तो जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत सारे कॉलेजों के अंदर जो फर्स्ट राउंड के जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट वेकेंट रह रही है, बिकॉज उन जिन बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स है वो यहाँ पे एडमिशन ले ही नहीं रहे, वो फीस ही पे नहीं कर रहे, वो छोड़ दे रहे हैं कि हमारा आगे की कॉलेजों में हो जाएगा। जैसा कि ये बच्चा देख सकते हो ये फर्स्ट रैंक पर, अब इसे पता है कि भाई हम तो दादा है, ठीक है, हमारे सबसे अच्छे मार्क्स है तो यहाँ पे नहीं आएगा। ओबियसली ये जस्ट जो भी अच्छे कॉलेजेज हैं जैसे दिल्ली एरिया में जे एन यू वगैरह, तो उधर ये टारगेट करेगा, ये इधर क्यों आएगा। तो आपका जो सेकंड जो जैसे आपका आ रहा है, आई थिंक जो शेड्यूल के अंदर डेट दिया गया है पीजी वाले बच्चों के लिए वो 19 तारीख को आपका शेड्यूल आ रहा है, राइट। तो 19 तारीख को जो है आपको यहाँ पे वेकेंट मेरिट्रिक्स दिया जाएगा कि किस किस कोर्सेज में कितनी कितनी सीटें वेकेंट है। और आपका जो है बेसिकली जिस प्रकार से एडमिशन हो रहे हैं या थर्ड राउंड होने के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। देन उसके बाद जो है ऑन स्पॉट एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है, वैसे फिजिकली एडमिशन वगैरह वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है एडमिशन का ये प्रोसेस चलता है। जिन भी स्टूडेंट को काफी लो मार्क्स है तो वो यार हमारा सीयूटी एडमिशन प्लान ज्वाइन कर सकता है, जिसके अंदर हम आपका
ट्राई करते हैं कि टिल लास्ट राउंड तक आपका किसी ना किसी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा दें। तो उसके लिए जो है हमारा CUET गाइडेंस प्लान ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया में सबसे कम प्राइजेस पे ओनली फॉर 1499 रुपए में हम आपका पूरा का पूरा एडमिशन कंप्लीट करा देते हैं। साथ में जो आपका 24 घंटे लाइव सपोर्ट भी हमारा मिलता है। तो जिन जिस जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है और वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं स्पेशली अच्छे कॉलेजों में, तो यार अपने ऊपर जो आप सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो और ले सकते हो इंडिया के बेस्ट कॉलेजों के अंदर एडमिशन। और हमारी टीम फुल ट्राई करती है कि आपका टिल लास्ट राउंड तक एडमिशन किसी ना किसी राउंड में किसी ना किसी कॉलेज में अच्छे कॉलेजों में करा दे। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिल कर सकते हैं। आपका जो सेकेंड अलॉटमेंट है वो 19 तारीख को आ रहा है गाइस, ठीक है। तो जस्ट देख सकते हो आपका जो सेकेंड अलॉटमेंट है वो 19 तारीख को आ जाएगा वेनसडे को। उसके साथ ही आपकी जो डिस्प्ले और कैटेगरी वाइज जो अलॉटमेंट है ऑनलाइन फीस पेमेंट 21 तारीख तक होगा। आपकी क्लासें जो है 25 तारीख की डेट दी गई है कि 25 तारीख को किया जाएगा। अगर कोई सीटें वैकेंट रहती है तो फिजिकल काउंसलिंग होगी, ठीक है। फिजिकल काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपको कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा ऑफलाइन, और ऑफलाइन ही आपको जो है सीटें प्रोवाइड की जाएगी। तो इस प्रकार से सारा प्रोसेस है, ठीक है।